स्थलों पर सुविधा नहीं है, तो जो रिटायर्ड जजेस हैं, जिन जजेस को सरकार ने 2000 के नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका में नियुक्त किया, उनको अधिकार है कि वो पूरी सुविधाओं की व्यवस्था करें, और अगर वो नहीं होता है तो विस्थापितों को अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल करें, और अगर NVDA यानी नर्मदा अथॉरिटी दाखिल करे तो उसको मनाही है। तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद शिकायत निवारण प्राधिकरण वो GRA के जजेस का संघर्ष के वहां भी करना पड़ा उनके द्वार में, फिर जो आदेश आया 28 नवंबर 2017 को, उसके अनुसार 30 अप्रैल 2017 को पूरी पीने के पानी की व्यवस्था करनी थी। उस आदेश के बाद पहली बार ये शुरू हुआ कि नर्मदा का पानी लाएंगे पुनर्वास स्थल पर, नहीं तो गुजरात ने मना कर दिया था और पिछली मध्य प्रदेश की सरकार उनकी गुलामी कर रही थी। आज तक लेकिन पीने के पानी की जो व्यवस्था हुई है उसमें पाइप टूट रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ठेकेदारों का भी है और वो अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज भी पुनर्वास स्थल के लिए जिनकी जमीनें ली गई उनमें से कईयों को भूमिहीन कर दिया, अब ये पुनर्वास नीति के संपूर्णता विरोध में। दलित और आदिवासियों की जमीन तो लेनी ही नहीं थी पुनर्वास स्थल के लिए, लेकिन वो भी ले ली, और अन्य समाज के भी किसानों की जमीन तभी लेनी थी जबकि उनके घर के हर वयस्क पुत्र को 2-2 हेक्टेयर छोड़ने के बाद उनकी जमीन बचती होगी। तो अब इस पर 4 आदेश आ गए GRA के, 1 हाईकोर्ट का, लेकिन NVDA ने अभी तक अमल नहीं किया। ऐसे कई सारे सैकड़ों आदेश है GRA के 2 हेक्टेयर जमीन देने के, कहीं घर प्लॉट देने के, कहीं सुविधाएं देने के, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। अभी की जो सरकार है वो संवाद तो करना चालू करके समझ गई है। पिछले सरकार ने 15 साल से एक बार भी मुख्यमंत्री ने हमारे साथ संवाद नहीं, डरते हो तो हमारे पास शासकीय रिपोर्ट सहवाल संख्या सब है। लेकिन अभी नई सरकार ने जिस द्रुत गति से काम करना था, कम समय में डूब आने वाली है ये समझ कर, युद्ध स्तर पर और व्यवस्थित आयोजन के साथ, वो नहीं हुआ ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे 30 आवेदन 30 बड़े मुद्दों पर है, जिसमें घर प्लॉट का रजिस्ट्रीकरण जैसा मुद्दा है, जिस पर आदेश तो हम लोगों ने 2017 में बहुत बड़ा संघर्ष किया, निसरपुर ने संघर्ष किया, पूरा क्षेत्र प्रदेश और देश निसरपुर को जानने लगा, उससे जो आदेश मिले उसमें घर प्लॉट का रजिस्ट्रीकरण होना था, न पिछली सरकार ने किया न इस सरकार ने अभी तक उसकी शुरुआत भी की। समतलीकरण करना है वो नर्मदा अथॉरिटी के खर्चे से करना है, 20,000 रुपए देकर काली कपास की मिट्टी में घर का फाउंडेशन बनाना या प्लॉट का समतलीकरण करना असंभव। ये सभी गड़बड़ियां जो हुई है उसका सबसे मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, और फिर भी पहाड़ी आदिवासियों ने तो पैसे को छुआ नहीं। यहाँ तो फर्जी रजिस्ट्रियां हुई 1600, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में खुद केस चलाकर 15 लाख रुपए हमने दिलवाए, और जिनको जमीन की पात्रता के नहीं पात्रता मिली उनको 60 लाख रुपए दिलवाए, जबकि मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार 5.5 लाख पर निपट रही थी और जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था। तो आज भी 800 लोगों को 60 लाख रुपए मिले, 993 लोगों को 15 लाख रुपए मिले, ये सब हो गए, लेकिन जो अभी भी सैकड़ों लोग एक एक कैटेगरी के बाकी है उनकी संपत्ति डुबाने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, क्योंकि किसी भी की भी संपत्ति पूर्ण पुनर्वास के बिना डुबा नहीं सकते, ये है ट्रिब्यूनल का फैसला, धारा 11 उपधारा 4-6, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लंघन होता है। जब कोई भी एक व्यक्ति एक परिवार अगर उसका हक है, आदेश में अगर लिखा गया 2017 में जब हमने 4 मई को घेरा वल्लभ भवन और पूरे मुद्दे नोट किए गए, तब 24 मई से जाहिर करने लगी पूर्व की सरकार उसके मुख्यमंत्री, और आदेश आने लगे 5 जून से, लेकिन उन आदेशों में जो जो लिखा हुआ था उसमें एक बात है, 5,80,000 के अनुदान, क्योंकि हमने कहा कि आपने 2000 में मुआवजा दे दिया किसी घर का, वो 6000 हो कि 60000 हो, आज वो परिवार घर नहीं बांध सकता, क्योंकि आपने उस समय घर प्लॉट देते तो बात अलग, उस समय उनकी पुनर्वास स्थल बने ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो अनुदान घोषित हुआ उन अनुदानों की सूची में गड़बड़ियां ज्यादा हुई और निराकरण कम। आज भी जो सूचियां लगाई गई हैं गांव गांव उस पर आपत्ति उठाने की प्रक्रिया चल रही है,
तो पुनर्वास पूरा कैसे मान सकते हैं? हम लोग इसीलिए यही कहना चाहते हैं आज कि अभी राजघाट में जैसे मौत हो गई दो लोगों की, उस प्रकार से मौत के घाट पर एक एक गांव को या मोहल्ले को उतारना हमें मंजूर नहीं है। ये अन्याय है। जिस अन्याय के मद्देनजर विश्व बैंक ने इस परियोजना का पैसा रोक दिया, वही ये परियोजना है। और इस परियोजना में आज भी डूब क्षेत्र में 32,000 से अधिक परिवार, और उन 32,000 से अधिक परिवारों को पुनर्वसित करे बिना डूब लाना नहीं चाहिए। अब मध्य प्रदेश की सरकार तो कह रही है कि पानी नहीं भरना चाहिए, लेकिन जबकि गुजरात और दिल्ली की दादागिरी देश में चल रही है और उन्होंने बार बार ये घोषणा की है कि वो महोत्सव मनाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम पानी भरेंगे 139 मीटर तक, तो आज ये 132 मीटर के नीचे का पानी जब एक एक गांव को इस प्रकार से बर्बाद करने में लगा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार हिम्मत से कह तो रही है कि जीरो बैलेंस का शपथ पत्र गलत थे, अभी 6,000 परिवार, हमारा कहना 6,000 भी नहीं 32,000 परिवार, उसमें से 16,000 परिवारों को जो बैक वाटर का खेल पिछले सरकार ने किया, और 2010 में 16,000 परिवारों को उनके घरों का संपत्ति का भू अर्जन होने के बाद डूब से बाहर बताकर उनकी संपत्ति आज भी कार्यपालन यंत्री के नाम पड़ी है, एक पर्चा भी उनके हाथ में नहीं दिया ये कहते हुए कि आप डूब से बाहर हैं या आपका घर हमको नहीं चाहिए तो आपको वापस कर दें। तो ये भी पूरा अवैध है। इसको केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने नकार कर कहा था कि अवैज्ञानिक रूप से लेवल्स कम दिखा रहे हैं, ये ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में पुनर्वास का पूरा होना और एक साल तक कम से कम संभव नहीं है, ये समझना चाहिए था गुजरात और दिल्ली को। महाराष्ट्र भी झुका हुआ है दिल्ली के पास, उन्होंने अपने हिस्से का पानी भी गुजरात को दे दिया, आदिवासियों का हजारों एकड़ जंगल का जमीन का सब का बलि देने के बाद, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को आज बिजली भी नहीं मिल रही, तो ये सब होकर इसका लाभ कुछ भी नहीं है। मुख्य नदी पात्र का जो बिजली घर है वो बंद पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र ने 2016 में 1800 करोड़ की भरपाई मांगी थी, मतलब उस समय तक मध्य प्रदेश की 3600 करोड़ की नुकसान हो गई थी, लेकिन नुकसान भरपाई तो दूर, बिजली घर बंद रखने वाले गुजरात को अभी फिर से संघर्ष पर उतरने के बाद राज्य की सोचनी पड़ी और टर्बाइन्स चालू किए, लेकिन जो नुकसान हुआ वो करोड़ों का है, और टर्बाइन से केवल अभी नीचे वास में जो पानी छोड़ रहे हैं वो बहुत ही कम है। इनके 32 के 32 गेट्स खोलने चाहिए, नहीं तो यहाँ अकांड तांडव होगा, उत्तराखंड जैसी स्थिति पैदा होगी, और लोगों को जिनको नहीं मिला है पूरा लाभ पुनर्वास का पात्रता के अनुसार, उनको अपने घर में रहने का अधिकार। यहाँ अच्छी उपजाऊ जमीन ही नहीं, मंदिर मस्जिद ही नहीं, यहाँ पुरातत्व के पूरे अवशेष, मानवीय इतिहास अश्मयुग से बताने वाले इस धरती के नीचे है। इसकी जांच भी अगर होनी है तो 100 साल लगेंगे। ये रोमिला थपार जी का स्टेटमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइंस कांग्रेस का रेजोल्यूशन था। ये सब चीज़ें बाकी होते हुए गाँव को डुबाना, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी सिंचाई के नाम से डूब गए डुबाए गए, उसी प्रकार से एक संस्कृति को खत्म करना। इतना ही है कि लोगों ने भी संघर्ष किया, सब ने मिलकर, पहाड़ी आदिवासियों ने पैसे को छुआ तक नहीं, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे हाथ में आए तो पुनर्वास स्थल बने हैं, 15,000 लोगों को जमीन मिली है, उससे दुगने लोगों को घर प्लॉट मिले हैं। अब जो बाकी है वो युद्ध स्तर पर व्यवस्थित नियोजित तरीके से लोगों का सहभागिता के साथ संगठन की शक्ति का उपयोग करते हुए करना, ये इस सरकार से अपेक्षित है। और तब तक उनको भी ऊपर के बांधों से लेकर बरगी से लेकर सरदार सरोवर तक जल नियमन करना चाहिए। उसकी क्षमता नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी में नहीं है, जहाँ केवल एक पति और एक पत्नी राज कर रहे हैं। उनकी पत्नी के हाथ में 7 पद दे के रखे हैं। केंद्र की सरकार NCA को खत्म करना चाहती है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को, मध्य प्रदेश को उच्च स्तरीय समिति बनाकर 85% नर्मदा की कछार जिस राज्य में है उस राज्य में पूरे नर्मदा का नियोजन करेंगे, नहीं तो नर्मदा यमुना बन जाएगी, नाला बन जाएगी, और नर्मदा को बहती नहीं रखेंगे
तो भले घर में घर के बदले महल बन जाएगा, लेकिन यहाँ की खेती, यहाँ की समृद्धि बर्बाद हो जाएगी। आज हमको कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी आदेश देना पड़ा है उनके भी तहत सरदार सरोवर के गेट्स खुले रखने चाहिए। इन्होंने 26 गेट 8 अगस्त को खुले, 9 अगस्त को 10 बंद कर दिए, फिर 8 खुले रखे, फिर 3 खुले रखे, फिर रात को 8 खुले, फिर 1 खुला रखा। ये जो खेल चल रहा है वो गुजरात के मछुआरे, किसान, कच्छ के लोग सब अभी उजागर कर रहे हैं, हमसे ज्यादा वो आक्रोशित है। तो ये सबकी समस्या है, एक एक नदी का खत्म होना यानी हत्या होना। और इसलिए ये लोग जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बात बहुत लंबी है। आगे चलकर क्या होगा नर्मदा की पूरी घाटी का, जबलपुर, मंडला, सिवनी यानी अमरकंटक से भरूच तक का समुन्द्र तो 80 किलोमीटर अंदर आ चुका है। ये सब देखने की बात है। हमने जो जो कहा था वो तो सच उतरा है। इसमें हम जीत नहीं मनाएंगे, पर लोग हारे भी नहीं है और हार भी नहीं सकते।